Hello children, our this video is for this topic verb. Verb का दो part, verb part one और part two मैंने already बना रखा है, जिसमें verb के दोनों parts के बारे में description दिया हुआ है. यहाँ हम जिस verb की बात करने जा रहे हैं, verb वो भी है, लेकिन वो जिसे जो verb definition होती है, that verb shows action or activity in the sentence, that's why it is called action verb or doing verb. Okay? तो वो चीज इसमें discuss नहीं है. इसमें उस verb की हम चर्चा कर रहे हैं, उस verb के बारे में description और detail दिया हुआ है, जो verb हमारे main verb को, हमारे finite verb को support करता है, जो supportive verbs हैं, उन verbs की बात की गई है. उसके जो टर्म्स हैं, आप लोग प्रीवियस क्लासेस से फ्रॉम 6 to 7, 8 और बल्कि और पहले से सेकेंड ऑनवर्ड्स आप सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को जो ये हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्ब का ये पार्ट, ये सेक्शन, लोग इसे भी मेन वर्ब ही समझते हैं. ये मेन वर्ब नहीं है. मेन वर्ब आपके जो है उसके दो उसके वीडियोस ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं. और फिलहाल मेन वर्ब वो होता है जिससे हमें सेंटेंस के अंदर होने वाली एक्टिविटी हमें पता चले, क्या काम हुआ है, वर्क ऑफ गोइंग, वर्क ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, है ना, जंपिंग, व्हाटएवर, टीचिंग, क्या काम हुआ है वो पता चले. यहाँ हमें उस वर्ब के बारे में पता करना है, उस वर्ब के बारे में हमें डिस्कस करना है, जिस वर्ब से हमें एक्टिविटी जैसी चीज नहीं पता चलेगी. हम मतलब एक्टिविटी जैसी चीज के बारे में हम डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, हम उस वर्ब की बात करने जा रहे हैं जिसको एक तरीके से सपोर्टिव वर्ब्स कहा जा सकता है. तो वो सपोर्टिव वर्ब्स क्या है? सपोर्टिव वर्ब्स मैं केवल समझाने के लिए यूज कर रही हूँ. सपोर्टिव वर्ब्स ऐसा कोई टर्म ग्रामर में नहीं यूज हुआ है, ठीक है. तो वो सपोर्टिव वर्ब्स है कौन? आप लोगों ने बी की फॉर्म्स ऑफ बी सुना होगा. बी की फॉर्म्स वो क्या है? फॉर्म्स ऑफ बी एक्चुअल में है क्या? वो फॉर्म्स ऑफ बी जो है वो है आपकी इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड. ये आपके बी की फॉर्म्स हैं. यही आपकी बी की फॉर्म्स हैं. इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड. तो ठीक है ना? तो अब समझ में आया ना कि हम किसी नई चीज को नहीं पढ़ने जा रहे हैं. ये तो हम जब से सेंटेंस को देखना शुरू किए हैं तब से ये सारी चीजें हमारे सामने बनी हैं, और तब से हम इन्हीं की मदद से एक सेंटेंस को फ्रेम कर पाए. सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है. जैसा टेंस है, अब टेंस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, व्हाटएवर टेंसेस आर गिवन, वो जो भी टेंस दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग इसका यूज होता है. तो अब ये क्या है, इनको और हम किस रूप में हमने इसे, इन्हें सपोर्टिव वर्ब्स क्यों कहा है, चलिए इसको देखते हैं. आप लोगों के पास दो टर्म आए होंगे बहुत छोटी क्लासेस से, एक ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को खाली मैंने लिखा, हेल्पिंग और ऑक्सिलरी एक ही है. हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? और एक दूसरा आया है लिंकिंग वर्ब. वो लिंकिंग वर्ब क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब होता है अपने नाम से ही क्लियर है कि इट इज हेल्पिंग टू वर्ब. ये वर्ब को हेल्प करता है, हेल्पिंग टू वर्ब. ये अपने नाम से ही क्लियर है कि हेल्पिंग वर्ब वो है जो वर्ब को हेल्प करे. अब वो कैसे, अभी देखते हैं. पहले हम इसको समझ लें. दूसरा लिंकिंग वर्ब, इसमें थोड़ी स्पेशलिटी है. इसमें कोई सपोर्ट, किसी को सपोर्ट नहीं करना, किसी को हेल्प नहीं करना है. वो कैसे क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है और कैसे हम पहचानेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है, चलिए आइए देखते हैं हम इन एग्जांपल्स के थ्रू. आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ये एक टॉपिक भी है ग्रामर का. सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है. सब्जेक्ट में डूअर से, डूअर और डूअर की विशेषताएं, सारी उसकी क्वालिटीज के बारे में हमें सब्जेक्ट पोर्शन में पता चलता है. जैसे टीचर्स इन द क्लास, ओके, ठीक है. अब इसके आगे अ टीचर टीचर्स इन द क्लास, ओके. अब हम इसके आगे और भी अर्ज कर सकते हैं, एंड ऑनेस्ट टीचर टीचर्स इन द क्लास. अब देखिए,
आया, एन आया, ऑनेस्ट आया उसी टीचर के लिए। तो एन ऑनेस्ट जो ये टर्म जो जुड़े हैं, ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ये इसका एक अलग डिटेल, इसका एक अलग चैप्टर है, ठीक है ना। तो वो सब उसी सब्जेक्ट उसी टीचर की ही विशेषता बता रहे हैं। जैसे फिर से देखिए, अ टीचर टीचेस इन द क्लास, ये सेंटेंस हमारा बन किया। हमने इसको और टीचर को हमने क्या कर दिया, एंड ऑनेस्ट टीचर टीचर्स इन द क्लास है। तो कभी आ आया, एन आया, ऑनेस्ट आया, ये तीनों अलग चीज है। ये तीनों मिल करके किसके लिए आए हैं, इसी पर्टिकुलर टीचर के लिए। यानी कि जो सब्जेक्ट का पोर्शन होता है उसमें हमारे डूअर यानी सब्जेक्ट के बारे में पूरा बताया रहता है, केवल सब्जेक्ट की बात होती है। और जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट या जो डूअर क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, किन परिस्थितियों में करता है, कितनी बार करता है, किन लोगों के साथ करता है, कहां पर करता है, ये सारी चीजें हमें प्रेडिकेट से पता चलती है। मतलब उसमें करना सब्जेक्ट की जो एक्टिविटी होती है हमें प्रेडिकेट में मिलती है। दैट्स इट। ओके, फिर ये प्रेडिकेट में हमारी शुरुआत ही वर्ब से होती है, एक्टिविटी से, ठीक है। अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो प्रेडिकेट आया है वो जो प्रेडिकेट के में जो शुरुआत हो रही है वो वर्ब से अगर हो रही है, ठीक है, तो वर्ब में कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी दिया रहता है। कोई जरूरी नहीं कि हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब ही हो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो केवल सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट में सब्जेक्ट वर्ब में सॉरी एसी लग जाता है, ठीक है, वहां इज आर एम तो नहीं लगता। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप जाएंगे तुरंत इज आर एम लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे हैज हैव लगा देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे हैज हैव हैज बीन हैव बीन लगा देंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में नो हेल्पिंग वर्ब, ही वेंट टू स्कूल, ही रोट द लेटर। लेकिन जैसे ही आप पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसफर किए आप सेंटेंस को, तुरंत वॉज वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी हो जाता है उसमें तुरंत। तो कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में सॉरी हर टेंस में वर्ब दिया ही सॉरी सपोर्टिव वर्ब दिया ही हो। हमें यहाँ पर यह खाली पहचानना है कि हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब कैसे पहचाने। प्रेडिकेट पोर्शन में अगर आपको वर्ब दिया हुआ है तो ये जान जाइए कि उस वर्ब को हेल्प करने वाला जो हेल्पिंग वर्ब या जो सपोर्टिव वर्ब दिया होगा दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो शॉर्ट में हम आते हैं कि सब्जेक्ट के बाद किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेडिकेट में वर्ब दिया है तो उसके पहले अगर बी की फॉर्म दी हुई है तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। Now, just see the example. He is teaching. अब यहाँ he क्या है? He तो subject हुआ। ये रहा आपका predicate portion. इस predicate portion में ये आ रहा आपका verb. इस verb को support कौन कर रहा है? इस कर रहा है? इस verb को ये help कर रहा है कि नहीं? Support कर रहा है? That's why this is helping verb. ठीक है? यही मेरे कहने का मतलब है कि predicate में अगर verb है, क्रिया है, तो यूज होने वाला ये जो बी की फॉर्म्स है, यूज होने वाली जो बी की फॉर्म्स है वो बी की फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। अब लिंकिंग वर्ब पे आते हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट में नाउन या एडजेक्टिव है तो वही बी की फॉर्म जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कहला रही है वही अब लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ तो ही इज टीचिंग था, इस वर्ब के इस क्रिया को इस वर्ब को असिस्ट कर रहा है, इस वर्ब की हेल्प कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहलाया। अब देखिए दूसरे एग्जांपल में यहाँ पर प्रेडिकेट पोर्शन में हमें क्या मिला है, टीचर। टीचर क्या है, नाउन। टीच यहाँ भी, टीच यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे वर्ब है और यहाँ नाउन बना हुआ है। या और वही हमने कहा कि अगर प्रेडिकेट पोर्शन में नाउन दिया हुआ है तो ये बी की फॉर्म्स क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। और एक लगा कि एडजेक्टिव लिखा है, अगर प्रेडिकेट पोर्शन में एडजेक्टिव दिया हुआ है तो ये बी की फॉर्म क्या कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। ही इज ब्रेव। अब ब्रेव क्या, एडजेक्टिव। शॉर्ट में इसको भी समझते हैं कि अगर सेंटेंस में अगर जो प्रेडिकेट पोर्शन दिया हुआ है, अगर प्रेडिकेट पोर्शन में बी की ये जो फॉर्म्स है इज आर एम वाज वर हैज हैव हैड, अगर प्रेडिकेट पोर्शन में ये जो बी की फॉर्म्स दी हुई हैं
अगर ये बी की फॉर्म्स वर्ब को असिस्ट कर रही हैं, वर्ब की हेल्प कर रही हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के प्रेडिकेट पोर्शन में वर्ब नहीं दिया है बल्कि नाउन या एडजेक्टिव दिया है, तो यही बी की फॉर्म्स आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी, ना कि हेल्पिंग वर्ब। और ये रहा आपका एग्जाम्पल, ही इज टीचिंग में इज टीचिंग, इस जो आपका बी की फॉर्म दिया हुआ है ये क्रिया को असिस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये इज हेल्पिंग वर्ब कहलाया। और आप दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं कि इस में इस के बाद क्रिया नहीं दी हुई है, वर्ब नहीं दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग रूल प्रेडिकेट पोर्शन में नाउन दिया या एडजेक्टिव दिया हो तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, तो चूंकि नाउन दिया हुआ है तो ये इस लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। और थर्ड एग्जांपल में ब्रेव जो एडजेक्टिव दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए इस ये आपका लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। सो इन अ वेरी शॉर्ट वे चिल्ड्रन, प्रेडिकेट पोर्शन में अगर बी की फॉर्म्स वर्ब के पहले आई है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, और अगर बी की फॉर्म्स नाउन या एडजेक्टिव के पहले आया है तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ओके चिल्ड्रन, सो क्या कहते हैं, ये इस वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ बी के बारे में पढ़ा। यही फॉर्म्स ऑफ बी कभी लिंकिंग वर्ब कहलाता है, कभी हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब के लिए प्रेडिकेट पोर्शन में आप ये देखिए कि वर्ब दिया है, वर्ब दिया है अगर प्रेडिकेट पोर्शन में तो वो हेल्पिंग वर्ब है, और नाउन या एडजेक्टिव दिया है तो वो लिंकिंग वर्ब है। और एक चीज और बच्चों, एक सेंटेंस इसमें और रह गया है कि अगर लिंकिंग वर्ब दिया हुआ है किसी सेंटेंस में तो लिंकिंग वर्ब लगने के बाद जो सेंटेंस बनता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस भी कहते हैं। केवल बस यही इतना जानना था कि वो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस वही बनता है जहां पर लिंकिंग वर्ब होता है। थैंक यू सो मच।